असलाकुम एवरी वन कैसे हैं आप सब आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और रमजान का महीना आने वाला है माशाल्लाह से और किसका दिल नहीं करता इस महीने में सिर्फ इबादत की जाए बाकी दुनिया से बंदा गाफिल हो जाए मैं तो कहती हूँ कि सारे महीने इस तरह के हों के बस इंसान जो है ना फजूल काम छोड़ के अपने रब की इबादत में जो है ना वो मगन हो जाए खैर ऐसा नहीं है दुनिया के निज़ाम नहीं छोड़े जा सकते कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं अल्लाह ताला ने भी इबादत के साथ साथ दुनिया के निजाम चलाने का भी हुक्म दिया है अच्छा जी उसके बाद जो है ना रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी हूँ मैं तो सबसे पहले वहाँ पे आती है किचन की क्लीनिंग इन शाला इन शाला आप सबको अपने साथ रखूँगी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हुई है और उसमें जो है ना मैं सबसे पहले स्पूस का ड्रॉ जो है ना वो खोला है उसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैंने जिप लॉक बैग में डाल दी हैं जो ज़्यादा यूज़ करने वाली नहीं है सिर्फ यूज़फुल चीज़ें मैं रखूँगी जैसे छः चमचे होगी दो छियाँ होगी इस तरह की क्योंकि मेरे हाथ में यह सब कुछ मैंने ही काम करना है और बंदा जितनी चीज़ें कम निकालता है ना उतने ही उतना ही ईजी रहता है तो अगर आपको उस चीज़ की जरूरत पड़ी है ना तो सिंक में देखें वो वॉश करके दोबारा से उसको यूज़ कर लें उसके बाद ना मसाला जार मैंने खोल लिया मसाला वाला ड्रॉ खोल लिया तो उसमें मैं सारे मसाले चेक करी थी साथ एक बुक और एक पेंसिल रखी हुई थी जिसमें मैं लिखती जा रही थी कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और डब्बे जो है ना वो मैंने फेंक दिए थे उसमें से निकाल के ये वाले पैकेट्स तो मैंने अपनी बेटी के रबर बैंड्स ले लिए थे तो इनके साथ मैं कवर कर रही थी क्योंकि अगर आप स्टिल इन चीज़ों को खुला छोड़ोगे ना तो इनके अंदर हवा चली जाती है जिसकी वजह से नमी आ जाती है इन चीज़ों में ख़राब हो जाती है अच्छा जी उसके बाद मसाला बॉक्स को भी फिल कर लिया था उसमें जो जो चीज़ें थी जो हंडी में डाली जाती हैं तो वो उसमें ऐड कर ली थी सारी मसाला बॉक्स अगर आपके पास होना तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है बार बार डिफरेंट डिफरेंट जार्स खोलने से अच्छा आप हंडी बना रहे हैं मसाला बॉक्स खोलें और अपनी चीज़ को रेडी कर लें तो मैंने एक बास्केट ले ली थी उसमें मैंने सारे चीज़ें डाल दी थी चार मसाला को भी फिल कर लिया था और जितने भी बॉक्स थे ना उनको रीफिल किया था और जो चीज़ें खत्म हो रही थी और जिनकी जरूरत मुझे रमज़ान में पड़ेगी और जो जो चीज़ें मतलब बर्तनों में भी जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है ना वो भी मैं साथ चेक कर रही थी और मैं आपको बताती जाऊँ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डिस्पोजेबल टिफ़न्स की वो जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली रमज़ान में अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं किसी को देनी है तो अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं हर चीज़ के लिए टिफ़न बहुत ज़रूरी है उसके बाद जो है ना टिफ़न बॉक्स डिस्पोजेबल जो है ना वो भी बहुत जरूरी है अच्छा पत्ती वाला में भर रही थी जार तो उस पत्ती को कभी खुला ना छोड़ें क्योंकि पत्ती की खुशबू होती है चाय पत्ती की और वो जो है ना अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो उससे सारी खुशबू चली जाएगी और चाय में कोई वो वाला टेस्ट नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं होगी उस तरह से तो इसको मैंने इस तरह से कवर करके ये वाला ड्रॉ भी साफ़ कर लिया था और इसके अंदर रख दिया था अच्छा मुझे इतना मसला क्यों नहीं बनता डीप क्लीनिंग का क्योंकि मैं साथ साथ क्लीनिंग जारी रखती हूँ इग्नोर नहीं करती क्लीनिंग को जैसे ही कोई ड्रॉ देखूँ गंदा या कुछ इस तरह का तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ जैसे मैंने सबसे ऊपर वाला ड्रॉ साफ़ किया वो कितना गंदा था क्योंकि उसको मैंने इग्नोर किया था अच्छा इनको नहीं किया तो ये साफ़ सुथरे हैं बस इनमें चीज़ें ऐड की और बाकी सारे डब्बे यहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल दिए थे मैंने उसके बाद सारे मैं ड्रॉज जो है ना वो सेट कर रही थी इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं देख रही थी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो वो निकाल रही थी क्योंकि ये जो नीचे वाला मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना इसमें बस मैंने खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं जैसे बेकरी की सारी आइटम्स जो है हम फ्रिज में नहीं रख सकते उनको मैंने यहाँ पे रख लिया था और ऊपर जो है ना सारी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस थे सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी जैसे जूसर हो गया ब्लेंडर हो गया कैटल होगी मिक्सी होगी इस तरह की सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ रखी थी और खाने पीने की देखी मैंने दो चीजें हॉलिक्स पड़ी हुई थी उन को की रखा और दोबारा से कर सेट कर लिया। ये आप रेगुलर में देख लेना तो उसके बाद जी मैं क्लीनर रेडी करने लगी थी है तो मेरे पास बना हुआ तैयार है पर गर्म पानी के साथ मैंने एक टॉवल ले लिया उसमें विनेगर डाल दिया और इसी के साथ ना मैं सारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना मतलब ये हो गया आज जग जूसर का तो ये इसके ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना ये आप साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि इनको डीपली क्लीन करना पड़ता है तो मैंने एक ब्रश ले लिया और इसी जो मैंने क्लीनर बनाया अभी आपके सामने विनेगर और लिक्विड सॉप के साथ उनके साथ मैंने साफ कर लिया जैसे कि यहाँ पे देखें आप कितना ये गंदा गंदा नजर आ रहा है क्योंकि ये डीप चीज़ें जो होती हैं ना डीपली आप क्लीन करने वाली होती हैं इनको हम रेगुलर यूज में लाते तो हैं पर उस तरह से हम इनको डीपली क्लीन नहीं कर सकते तो बस ये भी मैंने क्लीन करके रख रख दिया क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये नहीं है कि बस अब एक महीना पहले मैंने साफ़ कर लिया ये ऐसे ही साफ़ रहेगा पर ये कि मुतमिन हो जाऊँगी सुकून हो जाएगा कि हर चीज़ साफ़ सुथरी है रमज़ान की तैयारी जो है ना वो सुकून से करूँगी तो आज मैंने किचन के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना सारी चीज़ें माइक्रो हो गया टोस्टर हो गया सैंडविच मेकर और जूसर सब कुछ जो है ना डीपली साफ़ किया था और मुझे वाकई बड़ा सुकून मिला था और किचन में हर चीज़ चमक रही थी तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इबादत करने की तोफ़ी फरमाए यहाँ पे मैंने मक्खन भी रख दिया था ये जब मेल्ट होगा ना तब मैं बताऊँगी आपको कि इसमें क्या डालें कि इतना मज़े का आपका जो देसी घी बनेगा उसके बाद जो है ना जितने भी ये माइक्रोवेव वग़ैरह इनको भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छा चीज़ जब आपका मक्खन इस पॉइंट पे पहुंचे ना बॉयलिंग पॉइंट पे तो अब आप इसमें वन टी स्पून के करीब जो है ना सूजी ऐड कर दें और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें अब आगे मैंने शूट ही नहीं किया जब देसी घी निकल चुका था पर आप इस तरह से कर लें उसको छोड़ दें हल्की आंच पे इतना मज़े का आपका देसी घी बन के तैयार होगा जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आ, कभी कभी दिल करता है देसी घी के पराठे खाने का या कुछ देसी घी का बनाने का अच्छा उसके बाद मैंने सारे जो ड्रॉज है ना उनको डीपली क्लीन कर लिया था उसी लिक्विड के साथ जो मैंने अभी रेडी किया था तो गर्म गर्म पानी था उसके साथ अच्छे से साफ़ हो रहे थे और एक याद रखें जब अगर आपके किचन में इस तरह की शीट्स हैं ना तो अपने इस क्लॉथ को जो है ना वो अच्छे से निचोड़ लें अच्छे से उसके अंदर से पानी निकाल लें ताकि ज़्यादा मॉइस्चर जो है ना वो आपकी इन शीट्स पे ना रहे हुआ ना ये ख़राब हो जाती हैं है तो ये वाटर प्रूफ पर थोड़े टाइम के बाद जो है ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर बेहतियाती की जाए तो अब मैं जो इनको साफ़ तो कर रही थी उस लिक्विड के साथ पर मैं साथ ही जो है ना इसको अच्छे से निचोड़ भी रही थी और ये ब्लू कलर की लगी हुई थी मेरे हस्बैंड ने उस टाइम उतारने नहीं दी कि ये नहीं उतारते ये नहीं उतारते तो मुझे पता था ये तो वैसे ही उन्होंने लगाई होती हैं ताकि किचन शिफ्ट करते हुए जो है ना आपको स्क्रैच ना पड़े इन चीज़ों पर अच्छा जी उसके बाद ये एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन टिक्का की इतने मज़े का चिकन बनता है इसमें से बस मैंने चिकन टिक्का डाला है थोड़ा सा विनेगर डाला है थोड़ा सा दही डाला है थोड़ा सा नमक डाला है और इसको मैरिनेट करके रख दिया उसके बाद फ्राइज हैं उसमें मैंने चाट मसाला डाला है थोड़ा सा नमक कुटी हुई मिर्ची और बेसन डाला है और ये कुछ रेसिपीज़ हैं जो आप रमज़ान में ट्राई करना आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और कम ऑयल में मैं जो है ना तिक्का जो है ना फ्राई करूँगी तो बस ऑयल को मैंने ग्रीस कर लिया था उसमें मैंने सारे लेग पीस मैंने काट के जो काट लिए इसलिए थे क्योंकि इसके अंदर मसाला चला जाए तो उनको ऐसे मैंने रख दिया था अब उसके बाद जितना भी मसाला बचा है ना ज़ाहिर मसाला तो बचता ही है अगर आप मैरिनेट करें तो उसमें तो वो मैं इसके ऊपर डाल के इसको दम लगा दूँगी और स्टीम पर पकने दूंगी हल्की आँच पर जब आपका ये चिकन पकेगा ना और बहुत मज़े का बनेगा अच्छा जब तक वो पकता ना तब तक मैंने कहा समोसा चाट की एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो मैंने इमरजेंसी में बनाई और इतने मज़े की बनी कि मैंने कहा ये तो काम मेरा इजी हो गया तो बस मोसे को क्रश करके मैंने दही के अंदर जो है ना वो चने डाल के रख दिए चने हमेशा मेरे फ्रिज में जो है ना बॉयल हुए पड़े होते हैं तो बस उनको निकाल के रख दिया और फिर जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ी सी थोड़ा सा प्याज थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची मिर्ची थोड़ी सी हरी मिर्ची और हमारी जो चाट है वो रेडी हो गई थी इमली के साथ मैंने उसको गार्निश कर लिया था अच्छा ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान में जितना हम हेल्दी डाइट लेंगे ना उतने हम भी ठीक रहेंगे हमारे घर वाले भी ठीक रहेंगे रोज़ की एक डिश होनी चाहिए पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इस तरह का शुरू कर दें अब थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया मैंने चिकन में और इसको जो है ना हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे इतनी ही आंच पे ये फ्राई होगा इतना ज़बरदस्त जूसी किस्म का मज़े का तिका तैयार होता है ना कि आपको मसाला भी नज़र आ रहा होगा सारा मसाला चिकन ने जो है ना अब्जॉर्व कर लिया और जो है ना इसके अंदर सारा चला गया और इतने मज़े का चिकन टिक्का ये रेडी होता है तो लाजमी आप लोग इसको ट्राई करना और मुझे बताना आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं और से भी क्लीनिंग शेयर करूँगी और क्लीनिंग और खाने पीने के साथ हम अपनी रूह को हम अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें अल्लाह ताला की इबादत के लिए रमज़ान के महीने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट कर दें अल्लाह हाफिज़